हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दो अलग अलग स्टेट से केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसीज हैं, टीचर वैकेंसीज हैं, और इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, सब्जेक्ट क्या क्या है, ये डिटेल हम आगे कवर करेंगे। इसके पहले देख लेंगे कि ये जॉब लोकेशन दोनों ही केंद्रीय विद्यालय की क्या है। जैसे जॉब लोकेशन अगर आपके लिए सुटेबल है तो बाकी की डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। जैसे लास्ट डेट पहले एप्लीकेशन करनी है या डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना, ये सारी चीजें आगे हम कवर करेंगे। पहले कहाँ से वैकेंसीज आई हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो है वो 5 पेजेस की पीडीएफ है, और इसमें पीजीटी के लिए आपको सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, पीजीटी फिजिक्स, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। इसी तरीके से टीजीटी के लिए इंग्लिश पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, पीआरटी की पोस्ट है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है और स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है। ये सारे पोस्ट हैं और ये पहली वैकेंसी आई हुई है केंद्रीय विद्यालय मधुपुर से। तो पहली वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय मधुपुर। कॉन्टेक्ट अस में केंद्रीय विद्यालय मधुपुर के हम जाके देख सकते हैं कि कहाँ पर है। मधुपुर देवघर में है, जो कि झारखंड स्टेट में है। कॉन्टेक्ट अस में केंद्रीय विद्यालय मधुपुर देवघर झारखंड। तो झारखंड से वैकेंसी है पहली। दूसरी वैकेंसी आई हुई है, सेकेंड वैकेंसी आई हुई है केंद्रीय विद्यालय अमीनू कुलगाम से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जम्मू एंड कश्मीर से सेकेंड वैकेंसी है, फर्स्ट वैकेंसी झारखंड से है। अब अगर आपके लिए ये जॉब लोकेशन सुटेबल है मधुपुर या फिर कुलगाम, तो आप आगे की डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे एडवर्टीजमेंट चेक करनी है, क्या क्या डिटेल्स है। तो अगर बात करें मधुपुर की, केंद्रीय विद्यालय मधुपुर की, तो वहां यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं इंग्लिश में ही देख लेते हैं, सभी को समझ। पीजीटी हिंदी, पीजीटी फिजिक्स, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ्स, बायोलॉजी, पीजीटी, टीजीटी इंग्लिश, प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, और इसके अलावा इतनी वैकेंसीज हैं। इसकी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है ऑलरेडी इसमें दी हुई है, ये आपको देख लेना है। और लिंक टू डाउनलोड द बायोडाटा फॉर्म, तो बायोडाटा आपको डाउनलोड कर लेना है, पीडीएफ में भी दिया हुआ है, और ऐसे नॉर्मल डॉक फाइल अगर डाउनलोड करना है तो ये भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब पहले हम देखेंगे कि मधुपुर में डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू, क्योंकि प्रॉब्लम ऐसी कुछ नहीं है, डेट दी होती है लेकिन डायरेक्ट जाना होता है, कहीं कहीं पर डायरेक्ट आप नहीं जा सकते। ये सभी वैकेंसीज जो कवर कर रहे हैं छोटे छोटे अलग अलग वीडियोस में, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। तो पहले जो वैकेंसी है उसमें 22 मार्च को एंड 24 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू है मधुपुर में, और इसके लिए पहले से वो एप्लीकेशन भेजनी है, ऐसा कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित दिन एवं समय पर केंद्रीय विद्यालय मधुपुर में साक्षात्कार में भाग लेने के लिए उपस्थित हो सकते हैं। तो आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। 18 to 65 ईयर्स तक के एलिजिबल कैंडिडेट जा सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देखेंगे पहले। केंद्रीय विद्यालय मधुपुर देवघर कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं संविदा शिक्षकों के साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए बायोडाटा वर्ड फाइल दिया हुआ है। अगर आपको डॉक फाइल में कंफर्टेबल है तो डॉक फाइल ऊपर है, और अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ यहाँ पे दिया हुआ है, ये डाउनलोड करना है, फिल करना है, फोटोकॉपीज अटैच करनी है, लेटेस्ट फोटोग्राफ, फोटोकॉपीज में क्या 10 ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की फोटोकॉपीज, और लेटेस्ट फोटोग्राफ, और अपनी एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या पैन कार्ड रख सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करने बोलते हैं, लेकिन मेरा हमेशा कहना होता है कि पार्ट टाइम या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब के लिए ओरिजिनल लेके जाने का रिस्क मत रखा करें, कलर प्रिंट आउट हमेशा रखा करें ओरिजिनल के तौर पर। परमानेंट जब वैकेंसीज आती हैं तभी सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाए। तो ये एडवर्टीजमेंट है, तो अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको आना है मधुपुर के, और ये सारी डिटेल आपको सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ये पांच जो है आपको यहाँ पर, क्योंकि वेतन दिया हुआ है, आपको वेतन देखना है तो पुरानी अपडेट है पर सैलरी देख सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी है वो आई हुई है केंद्रीय विद्यालय अमीनू से, जो कि कुलगाम में है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको आना है, और इसमें एक ही सिर्फ दिया हुआ है, कॉन्ट्रेक्चुअल एडवर्टीजमेंट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब इस मैं देख लेते हैं कि पहले एप्लीकेशन भेजना है या डायरेक्ट वॉक इन जाना है। तो केंद्रीय विद्यालय अमीनी कुलगांव में आपको 22 मार्च तक इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सबमिट देयर एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, फॉर्मेट नीचे दी हुई है, ये देखें यहाँ पे फॉर्मेट दी हुई है, ये फॉर्मेट आपको फिल करना है, फोटो कॉपीज अटैच करनी है, 10 ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट की फोटो कॉपीज, फुल लेटेस्ट फोटोग्राफ, फोटो कॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आप साइन कर ले उस पर,
और ये सारी चीजें आपको 22 मार्च तक ऑफिस में भेज देनी है। आप खुद भी जाके आसपास से ड्रॉप कर दें, अदरवाइज आप एक गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जाके नॉर्मल पोस्ट से भेज दें। और उसके बाद फिर वॉक इन इंटरव्यू है, जो कि इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन 23 मार्च। उसके बाद 23 मार्च को वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। तो अमीनो वाले में पहले आपको एप्लीकेशन भेज देनी है, हार्ड कॉपी फोटो कॉपी इसके साथ में, और इसके बाद आप 23 मार्च को जा सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए। जो आप भेजेंगे उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास रख दें कि आपने पहले से अप्लाई किया हुआ है। तो ये हो गया ऑफिशियल वेबसाइट। अगर दोनों की आप सर्च करें तो मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें, केंद्रीय विद्यालय अमीनू और केंद्रीय विद्यालय मधुपुर देवघर, दोनों की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।